कब तक जिंदगी काटोगे सिगरेट बीड़ी और सिगार में, कुछ दिन तो काटो दिल्ली एनसीआर में। ये लाइन हो सकती है कि आपको लगे कि कोई मजाक है, लेकिन यही आज का क्रूर सच भी है। दिल्ली की हवा में सांस लेना हर रोज करीब 40 से 50 सिगरेट पीने के बराबर है, और ये सिर्फ फैशनेबल आंकड़ेबाजी नहीं है, लेकिन आज देश की राजधानी और उसके साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया के कई शहरों की हालत ऐसे हो गए हैं कि कोई इस जोक पर हंसने के लिए तैयार भी नहीं है। दोस्तों, दिल्ली में सालाना 10 से 30 हजार लोग वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से मर रहे हैं, और इस हजारों मौतों को भी लोग मजाक में ही ले रहे हैं। आईआईटी मुंबई के जानकारों ने दुनिया के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जो रिसर्च किया, उसके मुताबिक दिल्ली में सालाना मौत का ये आंकड़ा 14,800 है। आंकड़े बता रहे हैं कि साल दर साल दिल्ली की हवा सर्दियों में और जहरीली हो रही है। आज दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर भारत के ही है, और पहले नंबर पर राजधानी दिल्ली और दूसरे नंबर पर कोलकाता है। दोस्तों, आमतौर से दिल्ली की सर्दियों को काफी याद किया जाता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोग बस किसी तरह से ये चाहते हैं कि ये सर्दियां ना आए, क्योंकि उसके साथ आती है वो जहरीली हवा, जिसने एयर पोल्यूशन नापने के लिए बने AQI के सबसे बड़ी रीडिंग को भी पीछे छोड़ दिया है। हालत ऐसी है कि दुनिया की सबसे खराब हवा हमारे देश की राजधानी में ही आपका स्वागत कर रही है। यही कारण है कि आज के समय में दिल्ली में एक स्वस्थ इंसान भी सांस की समस्याओं का सामना कर रहा है। इसलिए आज दिल्ली और उसके साथ वाले इलाके जैसे नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में सांस लेने लायक माहौल नहीं है, लेकिन लोग ले रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ में रहने वाले लोगों के लिए नौकरी का सबसे बड़ा हब यही दिल्ली एनसीआर ही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए आपको अरविंद केजरीवाल पंजाब और हरियाणा की सरकारों को बीते कुछ सालों में कोसते हुए नजर आ गए होंगे कि ये सब पराली से निकलने वाला धुआं है, लेकिन अब तो पंजाब में उनकी ही सरकार है, पर कितनी साफ है दिल्ली, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आम तौर से साफ हवा का AQI 50 होता है, लेकिन इस समय दिल्ली का AQI 500 से भी ज्यादा है, यानी लगभग 10 गुना बदतर हवा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में इतने सारे मुद्दों को बनाकर देश की सरकारें काम करती हैं, सत्ता में आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, तो ऐसे में क्या एक लोकतांत्रिक देश में साफ हवा कभी मुद्दा क्यों नहीं बन पाती है? तो दोस्तों, पहले हम आपको एक डेटा बताएं। तो आज उत्तर भारत में वोटर्स इस बात के लिए परेशान जरूर है कि पॉल्यूशन के नाम पर भी कोई चुनाव लड़े। एक सर्वे की माने तो दिल्ली में 45% लोग एयर पॉल्यूशन को एक बड़ा मुद्दा मानते हैं। उनमें से सिर्फ 10% ही ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये बड़ा मुद्दा चुनाव में असर डालता है, बाकियों को लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट बन नहीं पाता है। अब अगर इसे समझने की कोशिश करें तो खुद को आम लोगों की पार्टी कहने वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 2 बार से सरकार बनाई, लेकिन उसने भी ये चुनाव बिना पॉल्यूशन को मेन मुद्दा बनाए ही जीत लिया। सिर्फ बिजली और पानी के बिल माफ करने और फ्री बीज की कहानी सुनाकर आज भले ही वो अपने वादे को पूरा कर रहे हैं, लेकिन बतौर राज्य सरकार आम आदमी पार्टी ने कभी भी सीरियसली इस मुद्दे को नहीं देखा है, और वो अपना पल्ला ये कहकर झाड़ लेती है कि दिल्ली कहीं ना कहीं केंद्र शासित होने के नाते ही ऐसी है, क्योंकि केंद्र सरकार इस मामले में सही काम नहीं कर रही है, और पूरी दिल्ली केजरीवाल सरकार के अंदर स्वतंत्र रूप से नहीं आती है, और ऐसा ही यहाँ जनता का भी सोचना है। दिल्ली की करीब 27% जनता यही मानती है कि पॉल्यूशन के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार रहना होगा, लेकिन बाकी लोग ये मानने से बचते हैं कि ये मुद्दा दिल्ली सरकार की जिम्मेदार है। इसलिए हम सब ये देखते हैं कि जैसे ही चुनाव आता है पॉल्यूशन का कोई नाम भी नहीं लेता है। अब अगर हम ये समझें कि बतौर जनता जब लोग उत्तर भारत में राज्य सरकारों के लिए वोट डालते हैं तो वो जानबूझकर बस इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की अभी की BJP सरकार को इस पॉल्यूशन मुद्दे के नाम पर जनता अगर सत्ता से हटा देती है तो सरकार में आएगी समाजवादी पार्टी। तो क्या सपा सरकार इस चीज को कंट्रोल में करने के लिए कुछ अनोखा कर लेगी? इस सवाल का जवाब है नहीं। यानी कि अगर इसे समझे तो कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन हमारी राजनीति का हिस्सा इसलिए भी नहीं बन पा रहा है क्योंकि जो पार्टियां सरकार में हैं और वो इस प्रॉब्लम का कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे में जनता को ये भी भरोसा है कि जो सत्ता में नहीं है उनसे तो और कुछ भी नहीं होगा। इसी प्री माइंड सेट का फायदा उठा रही है रूलिंग पार्टी, और यही कारण है कि आज सरकार इस मामले को इतना लाइटली ले रही है। दिवाली में अगर देखें तो पटाखे जलाना बैन है, उसके बाद भी हमारे नॉर्थ इंडिया में बेधड़क पटाखे जलाए जाते हैं, और तो और देश के कुछ लोगों को दिवाली के दिन पटाखे ना जलाने पर गुस्सा भी आ जाता है और उन्हें ये उनके धार्मिकता पर हमला लगता है, जिसके बाद वो इसके विरोध में और पटाखे जलाते हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि जनता उनके साथ है, इसीलिए वो सिर्फ पेपर पर ही इसे बैन करती है, फील्ड में नहीं। यही कारण है कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक कुछ साल पहले की रिसर्च में
कहा गया है कि उत्तर भारत में खराब हवा के कारण सामान्य इंसान की जिंदगी करीब 7.5 साल कम हो रही है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि 1998 में यह आंकड़ा 3.7 साल था, यानी प्रदूषण के चलते औसतन लगभग 3.5 साल पहले लोगों की मौत हो रही थी। ये रिसर्च कहता है कि 1998 और 2006 के बीच उत्तर भारत में प्रदूषण 72% बढ़ा है, और ये तो सिर्फ 2006 तक का आंकड़ा था। अब सोचिए कि ये परसेंटेज कितना हो गया होगा। आज दिल्ली में रहने वाले लोग इस बात को ऐसे जोक में लेते हैं कि ऐसी हवा में सांस लेने को हैबिचुअल हो गया है उनका फेफड़ा, अब उन्हें फ्रेश हवा में सांस लेने में दिक्कत होती है। पर अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि आखिर सर्दियों में ही ये सारा पोल्यूशन कैसे कहर भर पाता है। दरअसल सर्दी बढ़ने के साथ धुंध की चादर और मोटी हो जाती है, इसकी वजह से मौसम ठंडा होने के कारण हवा भारी हो जाती है। ऐसे में हवा में PM2.5 और PM10 बढ़ने लगते हैं। ये PM बेसिकली बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो वायुमंडल में लिक्विड और सॉलिड किसी भी रूप में हो सकते हैं। PM10 का डायमीटर 10 माइक्रोमीटर या इससे कम होता है, और PM2.5 माइक्रो पार्टिकल जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम होता है। एनवायरमेंट में PM2.5 को बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये कोयले को जलाने, पराली जलाने, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के एमिशन, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जैसे कारण से पनपते हैं। इसीलिए इसकी सीरियसनेस को समझने के लिए दुनिया भर में रिसर्च की जा रही है। यूनाइटेड किंगडम में किए गए नई स्टडी से इस बात की पुष्टि होती है कि एयर पोल्यूशन एक स्लो पॉइजन के समान है। इस प्रदूषण का असर भले ही आपको अभी महसूस ना हो, लेकिन आने वाले समय में आप इससे जुड़ी परेशानियों से गंभीर रूप से पीड़ित हो सकते हैं। ब्रिटेन की इस स्टडी से मालूम चलता है कि एयर पोल्यूशन के प्रभाव रोजमर्रा की बीमारियों के रूप में छिपे हुए हैं, जिन्हें आप सामान्य परेशानियां समझकर इग्नोर कर देते हैं। रिसर्चर्स ने UK बायोबैंक के हेल्थ डेटा का स्टडी किया और पाया कि पोल्यूटेड एरियाज में एक से ज्यादा क्रोनिक इलनेस होने की संभावना अधिक होती है। ये स्टडी 40 से 69 साल के 360,000 से ज्यादा लोगों के हेल्थ डेटा का एनालिसिस करके, लेकिन इंडिया में अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखें तो जहां दीपिका के बिकनी के रंग पर पूरे देश में लोग धर्म बचाओ आंदोलन शुरू करके अपना और लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, उन्हें क्या ऐसी खराब हवाओं में सांस लेते हुए बूढ़े माँ बाप नजर नहीं आते? इसके लिए कोई सोशल मीडिया कैंपेन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि साफ है उसे सरकार और प्रशासन सपोर्ट नहीं करेगी। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार ये चाहती है कि बस पोल्यूशन होता रहे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि ये खत्म हो जाए। जिसके पीछे एक बड़ी लॉबी काम कर रही है उसे आपको समझना होगा कि आज से एक दशक पहले तक मार्केट में सबके यहाँ पर एक डर बैठ गया था कि उनका पानी साफ नहीं है, और इसी डर को जारी रखने के लिए आप देखोगे तो सरकार बड़ी बड़ी नदियों के सफाई प्रोग्राम पर सिर्फ वादे ही करती रह गई है, और आज तक ना गंगा साफ हुई ना यमुना, जो कि नॉर्थ की सबसे बड़ी नदियां हैं। इसी के बल पर खराब और पोल्यूटेड पानी का डर दिखाकर वाटर प्यूरिफायर की कंपनियों ने आज देश के घर घर में अपनी जगह बना ली है, और आज ये इंडस्ट्री करीब $1.04 बिलियन की है, जो कि 2010 से करीब 8 गुना ज्यादा है। अब हमने ये वाटर प्यूरिफायर का एग्जाम्पल इसलिए दिया था क्योंकि अब ऐसा ही कुछ होने वाला है एयर प्यूरिफायर के साथ भी। आप देखेंगे कि आने वाले कुछ सालों तक सबके घरों में हवा साफ करने की मशीन लगी होगी, और उसका भी हजारों करोड़ों का मार्केट डेवलप हो जाएगा, और इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। इसलिए ऐसी कंपनियां भी गवर्नमेंट को ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने से रोकती है ताकि सोल्यूशन के लिए लोग मजबूर होकर उनका प्रोडक्ट खरीदें। यही कारण है कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पार्टी इसे मुद्दा नहीं बनाती है, या कहें कि उतनी आक्रामकता के साथ विरोध नहीं करती है। अब हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा सोचें कि ये पोल्यूशन एक दिन में तो नहीं ठीक हो सकता है, या फिर अब इसे ठीक करना काफी मुश्किल हो गया है। तो ऐसे लोगों को किसी और की नहीं बल्कि उसी देश की कहानी जाननी चाहिए जिसका कैपिटल पिछले कई सालों से सबसे ज्यादा पोल्यूटेड होने का रिकॉर्ड बनाए हुए था, लेकिन आज उस शहर के हालात ही बिल्कुल बदल गए। हम बात कर रहे हैं चीन की राजधानी बीजिंग की। 5-6 साल पहले तक चीन में एयर पोल्यूशन की समस्या इतनी सीरियस थी कि सर्दियों में स्मॉग से आसमान नजर आना बंद हो जाता था। चीन में कई दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए जाते थे। कई शहरों में एयर पोल्यूशन के चलते सूरज नहीं दिखता था। यहाँ तक कि वहाँ का हर एक शख्स मास्क पहनकर घूमता नजर आता था। लेकिन अब चीन में ये हाल नहीं है। दुनिया भर में चीन के वायु प्रदूषण की आलोचना होने लगी थी, लेकिन उसी दिन से चीन ने खुद को अलर्ट मोड पर डालकर ऐसा काम किया कि अब बीजिंग की साफ हवा को बतौर केस स्टडी के तौर पर पेश किया जा रहा है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे पिछले 6 सालों में
चीन में पीएम एक तिहाई से भी कम हो चुका है। दरअसल पार्टिक्यूलेट मीटर का मतलब हवा में मौजूद खतरनाक बारीक पार्टिकल से है, जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये जब 2.5 से ज्यादा हो जाता है तो हवा में टॉक्सिक सब्सटेंसेस बढ़ने लगते हैं। वो मनुष्य के बाल की चौड़ाई से 30 गुना छोटे होते हैं। ये हमारे फेफड़े के अंदर के हिस्से में बैठ जाते हैं और क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं इसीलिए हमारे फेफड़े में बीमारियां पनपने का खतरा हो जाता है। लेकिन यहाँ ये भी जानना जरूरी था कि वर्ष 2012 तक चीन के 90% शहरों की आबोहवा सेट स्टैंडर्ड से ज्यादा थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 74 बड़े शहरों में से केवल 8 शहरों में ही एयर पोल्यूशन प्रिस्क्राइब्ड लेवल से कम था। और तो और वहाँ एयर पोल्यूशन से हर साल 5,00,000 लोगों की मौत समय से पहले हो जाती थी। ऐसे में चीन ने साल 2013 में नेशनल एयर क्वालिटी एक्शन प्लान लागू किया, जिसके लिए पूरे सीरियसनेस के साथ करीब 19,000 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाई। और ना सिर्फ योजना बनाई बल्कि उसे वॉर फुटिंग लेवल पर अमल करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि वहां ये करना बहुत आसान था, बल्कि जब इसे लागू किया गया तो लोगों को खासी दिक्कतें आई। और तो और सरकार का बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। अब जो योजनाएं थी उसे अगर समझे तो सबसे पहले तो वहाँ फैक्ट्रीज को नॉर्थ चाइना एंड ईस्ट चाइना, जहाँ लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वहाँ से दूसरे स्थानों पर ले जाया गया या बंद कर दिया गया। और तो और बहुत से फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन कम किया गया। इसके अलावा कोयला, जो कि सबसे बड़ा कारण होता है, उसका इस्तेमाल ही बंद कर दिया गया। बेकार गाड़ियों को सड़कों से हटाया गया। बीजिंग, शंघाई और गुआंगझाओ में सड़कों पर कारों की संख्या कम कर दी गई, जिससे कि लोगों को दिक्कतें बढ़ी। लेकिन ये उस समय जरूरी था। कोयले से चलने वाले नए प्लॉट्स को मंजूरी देनी बंद कर दी गई। अगर दी भी गई तो उन्हें बीजिंग और बड़े शहरों से दूर रखा गया। इसके अलावा ताजी हवा के गलियारे बनाए गए, जिसमें बड़े पैमाने पर ट्री प्लांटिंग हुई। और अब वो पेड़ हवा को साफ करने में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। बड़े शहरों में लो कार्बन पार्क बनाए गए, यानी वो इलाके जो कम कार्बन का उत्सर्जन करें। चीन में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन सबसे ज्यादा था, लिहाजा उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी उतनी ही ज्यादा की गई। अब सवाल ये उठता है कि कितना काबू हो पाया है ग्रीन पीस और दूसरी पर्यावरण से जुड़ी संस्थाओं का। कहना है कि बीजिंग और चीन के बाकी के शहरों में पोल्यूशन में 50% से ज्यादा की कमी आ चुकी है। बीजिंग में अब नीला आसमान दिखने लगा है। स्कूलों का बंद होना बंद हो चुका है। लोग बगैर मास्क पहने घरों से निकलते हैं। सरकार ने इसके लिए कई एनवायरमेंटल कंट्रोल बॉडी भी बनाई है, जो किसी भी तरह की कड़ाई से नहीं हिचकती। अब चीन का ये एग्जाम्पल सिर्फ इसीलिए था क्योंकि चीन की सिचुएशन बिल्कुल भारत जैसी ही है। यहाँ पर भी असली पोल्यूशन का कारण इंडस्ट्रीज और खेत में बची हुई पराली ही है। तो ऐसे में अगर सरकार राज्यों के झगड़ों में पॉलिटिक्स को हटाकर अगर युद्ध स्तर पर काम करती है तो जाहिर सी बात है कि पराली कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिससे निपटारा नहीं पाया जा सकता है। लेकिन दिल्ली और NCR के क्या हालात हैं, उससे अगर हम आपको रूबरू करवाएं और आप पहली बार इस इलाके में आ रहे हो तो आपको लगेगा कि कहीं आग तो नहीं लगी है जो इतना धुआं हुआ जा रहा है। जिसे खत्म करने के लिए एंटी स्मॉग टावर को दिल्ली और नोएडा में लगवाया गया था, लेकिन इतने बड़े शहर में सिर्फ 2 स्मॉग टावर हैं, एक कनॉट प्लेस में और एक आनंद विहार में, जो सिर्फ 100 मीटर के इलाकों में ही हवा साफ कर पाते हैं। उसके बाद की हवा का भगवान मालिक। लेकिन उससे ज्यादा दुखद बात यह है कि नोएडा में भी एक साल पहले लगे स्मॉग टावर तो बंद ही पड़ा हुआ है और कोई उसे सही करने के बारे में नहीं सोच रहा है। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की कितनी भरमार है वो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। और ऐसे ट्रैफिक में दिल्ली पूरे दिन नजर नहीं आती, जहां गूगल मैप का ब्लू दूसरे शहरों के रेड के बराबर है। अब ऐसे माहौल में जरूरत है कि इसे लॉन्ग टर्म के बारे में सीरियसली लिया जाए, और उसे गवर्नमेंट तब तक सीरियस नहीं लेगी जब तक कि चुनाव में लोग इस बात को मुद्दा नहीं बनाएं और नेताओं को मजबूर करें कि वो पोल्यूशन को इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व करके खत्म करने को मजबूर हो जाएं। वरना नमामि गंगे जैसी बहुत सी योजनाएं आएंगी और यमुना में केजरीवाल के 2025 तक साफ हो जाने के दावे सब सिर्फ अखबार की एक हेडलाइन के अलावा और कुछ नहीं बन पाएगी। और सरकार के कान पर तब तक जू नहीं रहेगी जब तक कि बड़ी संख्या में लोगों की मौत नहीं होगी। तो क्या हम और सरकार इसी के इंतजार में है, या फिर समय रहते हमें दूसरे देशों के मॉडल्स को अपने यहाँ पर एग्जीक्यूट करके और नियमों को सख्त बनाकर इसे पहले ही खत्म करना होगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताएं। साथ ही ये भी कि आपके शहर की हवा कितनी साफ है, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी कि और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।